लंबे काले लहराते हुए बाल किसको पसंद नहीं है। अगर आप अपना बाल लंबे घने बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस रेमेडी को लगाने से बालों के जड़ें मजबूत होती है, साथ ही बालों में चमक भी आती है। तेज धूप, प्रदूषण और खराब दिनचर्या से बालों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे हेयर टूटने, झड़ने और धूमुहे बालों होने लगते हैं, जिनके कारण से बालों के ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप ये रेमेडी को अपनाते हैं तो आपके बाल तेजी के साथ लंबे घने होंगे और पतले बालों को मोटा करने में भी मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हेयर पैक बनाना। ये हेयर पैक बनाने के लिए हमें एक चम्मच मेथी दाना चाहिए और एक चम्मच कलंजी चाहिए। पहले इसको थोड़ा सा पानी देके धो देंगे, उसके बाद पानी देके ओवर नाइट सोक करने के लिए रख देंगे। रात भर में ये फूल जाएगी मेथी दाना और कलंजी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह पानी के साथ ही हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। पानी को फेंकना नहीं है। अब जिस पानी में कलंजी और ये देखिए मेथी दाना मैं भिगोई हूँ, वो पानी के साथ ही मैं मिक्सी में डाल के पीसी हूँ। पीसने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। मेथी दाना तो अच्छी तरीके से पीस जाएगा, लेकिन जो कलंजी है उसका थोड़ा ग्रैनुल्स रह जाता है। इसके बाद आप इसमें दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी दीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी देने के बाद इसमें आप दो चम्मच दही दीजिएगा। दही देने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। ये पैक अगर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी मिला लीजिए, नहीं तो आपके पास दही का पानी है तो दही का पानी मिला लीजिए। मिला के थोड़ा सा पतला कर दीजिएगा। जैसे ये पैक आपको सर पे लगाने के लिए आसान हो। ये पैक बनाने के बाद आप इस पैक को 10 मिनट रेस्ट में रख दीजिएगा। जो दही है, मुल्तानी मिट्टी है और मेथी और कलंजी की पेस्ट है, सब एक साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। इसके बाद आप अपने सर पे अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने से पहले आप सर पे अच्छी तरीके से कोम कर लीजिए हेयर को, जैसे हेयर में कोई गांठें ना रह जाए। उसके बाद आप हेयर के रूट से लगाना इसको शुरू कीजिए। इस पैक को हेयर का रूट से शुरू करके आपको पूरा लेंथ में लगाना है। आप पहले हेयर का रूट में लगा लीजिए पूरा सर का, उसके बाद डिवाइड कर करके आप पार्ट वाइज पूरा बालों में, बालों के लेंथ में आप लगा लीजिए। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, आप उसी तरह पूरे बालों में लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप एक जूड़ा करके उसके ऊपर सावर कैप भी पहन सकते हैं। इसको लगा के आपको 30 मिनट रखना है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा। मुल्तानी मिट्टी है, बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत आसानी से ये सूख जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 30 मिनट रखिए। रखने के बाद शैम्पू से धो दीजिए। शैम्पू आराम से शैम्पू से धो दीजिए। आपके बाल स्मूथ, सिल्की और पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसको पहले लगा के तो देखिए। आप इसको वीकली वंस लगा सकते हैं। आप एक महीना इसको लगाइए, लगाने के बाद देखिएगा आपके बाल, बालों का जितना प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। आपके बाल अगर छोटे हैं तो ये रेमेडी इस्तेमाल करने से आपके बाल लंबे होंगे। अगर आपके बाल लंबे हैं और आपके बाल झड़ रहे हैं, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, आपके बाल घने होंगे। अगर आपके बालों में साइन नहीं है, बाल बहुत फ्रीजी है, बालों में चमक नहीं है, बाल ड्राई है, तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपके बाल स्मूथ होंगे, सॉफ्ट होंगे, आपके बाल चमकेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए